बहन दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाए एक और धांसू वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए एक खुशखबरी रहने वाली है क्योंकि वैकेंसी इतनी जबरदस्त है दोस्तों। लगभग 25,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। आर्मी दोस्तों अग्निवीर के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। जो भी साहिबान कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस भर्ती का पता चल सके। इसके अंतर्गत दोस्तों लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। उससे पहले पहले इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म आप भर दीजिएगा। ये ऑल इंडिया लेवल के ऊपर भर्ती रहने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको पूरा डिटेल से एकदम छानबीन करके आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों पूरे बम्पर जो नोटिफिकेशन है उसको आप अच्छे से रीड कीजिए ताकि आपको दोस्तों पूरी प्रॉब्लम ना हो और कोई भी दिक्कत परेशानी के आप अपना फॉर्म भर सके। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वैकेंसी के ऊपर। इससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी साहिबानों में अगर हमारा यूट्यूब चैनल नहीं देखा तो आप जाके जरूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको बहुत सारी ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी मिल जाएगी जो आपके आने वाले गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी के लिए आपके लिए भी फायदेमंद रहेगी। ताकि दोस्तों, क्योंकि ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत कंपटीशन लेवल कम होता है, कम वैकेंसी उसमें आती है, तो अप्लाई भी वो कम लोग ही कर पाते हैं। तो आप जाके वो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। अभी दोस्तों वैकेंसी के ऊपर हम चलते हैं। तो भारतीय सेना के अग्निवीर में कौन कौन आवेदन कर सकता है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो वैकेंसी आई है उनके लिए दोस्तों अलग अलग थोड़ी रिक्रूटमेंट मांगी गई है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अग्निवीर जीडी की पोस्ट के लिए आपको प्रत्येक जो विषय है 10th क्लास के अंतर्गत आपके पास कम से कम 45% से अबव होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों पर्सनल लेवल पर सभी विषय के अंतर्गत आपको 33% के साथ कक्षा 10th पास होना जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा अग्निवीर तकनीक और अग्निवीर टेक एविएशन के उम्मीदवारों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित अंग्रेजी विषय के साथ 12th पास होना जरूरी है। वहीं अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए दोस्तों आपको 60% प्लस अंक जरूरी है, किसमें 10+2 दोनों के अंतर्गत। अगर आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों ट्रेडमैन के लिए 33% होना चाहिए 10th क्लास के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है और कौन नहीं। आर्मी में कितने नंबर से पास होते हैं, जो अग्निवीर का फॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों पास होने के लिए आपको पता होगा कि सर्वप्रथम आजकल आपसे दोस्तों रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करा रहा है। फिजिकल की आपसे बाद में जानकारी ली जा रही है, तो फिजिकल की बाद में आप तैयारी करना, पहले रिटर्न की तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। रिटर्न के लिए आपको 35 नंबर्स लाना जरूरी है। इसके अलावा आर्मी टेक्निकल के कैंडिडेट को 200 नंबर के 50 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 80 नंबर लाना जरूरी है। बात करते हैं आर्मी अग्निवीर फिजिकल टेस्ट महिलाओं के लिए क्या रहता है और मेल के लिए क्या रहता है, दोनों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो महिलाओं के लिए दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। ग्रुप फर्स्ट में 7 मिनट और 30 सेकंड आपको मिलने वाले हैं। वहीं ग्रुप सेकंड के लिए 8 मिनट में रनिंग पूरी करनी होगी। साहिबान ये महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों 10 फीट का लॉन्ग जंप भी इनको क्वालिफाई करना जरूरी है। वहीं 3 फीट का हाई जंप करना जरूरी है। तो ये तो हो गया फीमेल्स के लिए। अभी हम दोस्तों मेल के लिए बात कर लेते हैं। तो मेल की बात करें तो दोस्तों आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं। लेकिन साहिबान जो आर्मी अग्निवीर की बात बता देता हूँ, जो एग्जाम क्लियर करके बंदे जाते हैं उनमें जो ग्रुप पकड़ा जाता है, जो कैंडिडेट 8 से 10 कैंडिडेट को पकड़ा जाता है जो पहले वाले होते हैं, वही ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों 5 मिनट का तक आने की। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं दोस्तों पुल अप, आपसे कितने पुशअप जो कितने बीम कटवाए जाते हैं। तो 10 पुशअप आपको कटवाए जाते हैं, जो 10 बीम होते हैं उसके लिए आपको 40 अंक मिलने वाले हैं। वहीं 9 अगर आप निकालते हैं तो 33 मिलेंगे और 8 के लिए 27 अंक आपको मिलने वाले हैं और 6 पुल के लिए आपको 16 अंक दिए जाएंगे। वहीं 90 पीट होता है जो क्वालिफाई करना जरूरी है। जिग-जैग बैलेंस ये तो दोस्तों नॉर्मल है, ये तो कैंडिडेट कर ही लेता है। बात करें आपके दोस्तों हाइट क्या रहने वाले हैं, तो हाइट की बात कर लेता हूँ। 170 दोस्तों इसमें सिर्फ अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए वो 162 सेंटीमीटर मांगी जाती है, बल्कि जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट आपसे मांगी जाती है। यह आपकी लंबाई के मुताबिक मेडिकल पॉलिसी के अनुसार मांगा गया है दोस्तों। इसके अलावा आपका सीने की बात करें तो 77 सेंटीमीटर आपसे सीना मांगा जाएगा, प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी इसमें मांगा जाता है।
इन लोगों को हाइट में 2 सेंटीमीटर और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वजन में 2 केजी की छूट मिलती है। किन कैंडिडेट को दोस्तों? आर्मी स्टाफ को, पूर्व कर्मचारी हो, युद्ध में कोई विधवा हुई या पूर्व कर्मियों को, विधवा के बेटों को, वो और विडो द्वारा गोद लिए गए बेटों को, अपना दामाद, अगर कोई छोटा बेटा नहीं है तब। इसके अलावा दोस्तों नेशनल, डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट कोई भी खेला हुआ बंदा है उनको भी इसमें छूट दी गई है। साथ ही जो दोस्तों अलग कैंडिडेट है जैसे लद्दाख के, डोगरी के, उनको भी इसके अंतर्गत छूट दी जाती है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत आपको शहीद होने पर क्या मिलता है। कई बार कैंडिडेट को दोस्तों इसके बारे में बताया नहीं जाता, ये भी हम मेंशन नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके लिए दोस्तों आपको कम से कम पता होना चाहिए कि अग्निवीर शहीद होने के बाद में क्या मिलता है। तो आप अगर कोई भी अग्निवीर ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को अंशदाय बीमा के 48 लाख रुपये, 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलती है। वहीं 4 साल के बचे हुए कार्यकाल का वेतन यानी आपको 13 लाख रुपये से ज़्यादा और आर्म्ड फोर्सेज कैजुअल्टी फंड से 8 लाख रुपये का भुगतान दिया जाता है। तो इसका भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार आपसे कोई पूछ भी सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपको सैलरी और पैकेज में क्या क्या मिलने वाला है। तो अग्निवीर की को शुरुआती साल में 30,000 रुपये प्रति माह मिलता है दोस्तों। इसमें 21,000 रुपये उनके हाथ में आता है और 30% यानी 9,000 रुपये आपको कॉर्प्स फंड में जमा किया जाता है। वहीं 9,000 आपकी तरफ से जमा होंगे और 9,000 सरकार की तरफ से आपके जो फंड होता है उसमें जमा किए जाते हैं। दूसरे वर्ष में आपके अग्निवीर की मासिक सैलरी में इजाफा होता है और यह आंकड़ा 33,000 तक पहुंच जाता है। यहां पर आप महीने में उन्हें 23,000 रुपये और 100 रुपये मिलते हैं। वहीं 9,900 रुपये कॉर्प्स फंड में जाते हैं। तीसरे वर्ष में दोस्तों आपकी सैलरी 36,000 हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 10,950 रुपये कॉर्प्स फंड में जाएगा। इसके अलावा उनके हाथ में 25,000 रुपये आने वाले हैं। आखिरी वर्ष में आपके दोस्तों 40,000 रुपये की सैलरी हो जाएगी जिसमें आपका फंड 12,000 रुपये कटेगा और 28,000 रुपये आपके हैंड में आने वाला है। इसके बाद में दोस्तों आपको ही पता होगा कि 25% कैंडिडेट को इसके बाद में आपको सिलेक्शन कर लिया जाता है। किसके लिए? परमानेंट के लिए। इंडियन आर्मी में भर्ती में कितनी पोस्ट आई है उसकी बात कर लेता हूं तो दोस्तों 25,000+ पोस्ट आई है। अलग अलग जो भी इसके जोन है ARO BRO उसके अनुरूप यह वैकेंसियां आई है। इंडियन आर्मी अग्निवीर में भर्ती प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली उसकी बात कर लेता हूं तो दोस्तों ऑनलाइन सबसे पहले परीक्षा होगी आपकी लिखित परीक्षा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट PET और PMT आपसे कंडक्ट कराया जाता है, वो तो आपको पता होगा। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स की बात मैं अभी बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका सबसे मेन है मेडिकल एग्जाम भी इसमें अच्छे से कंडक्ट कराया जाता है, तो आप डॉक्टर से दोस्तों चेकअप करा के ही मेडिकल देने जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों आवश्यक दस्तावेज आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्रूटमेंट होते हैं वो देख लीजिएगा। आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, इसके अलावा 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर, इसके अलावा दोस्तों जाति प्रमाण पत्र नवीनतम जो हो वो लेना है, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी लगती है। इसके अलावा अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे आप लाभ लेना चाहते हैं वो आपको जरूर मेंशन इसमें कर देना है। जैसे अगर आपने कोई स्पोर्ट्स का कैंडिडेट था तो वो स्पोर्ट्स वाला कोटा जरूर मेंशन कीजिए। जो भी आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट आपके लिए फायदेमंद है तो वो जरूर लगाए। बात करते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर की आज की एज लिमिट क्या है। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो 17 साल 6 यानी 17.5 वर्ष से लेकर आपको 21 वर्ष के कैंडिडेट इसमें आवेदन भर सकते हैं। आयु की गणना आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार 3 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट है जैसे EWS, SC, ST आरक्षित वर्गों को सीमा में छूट का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपसे शुल्क भी इस बार थोड़ा ज्यादा लिया जाएगा कि सरकार ने क्लियर किया है कि GST भी इनसे ली जाएगी आवेदन शुल्क के साथ में। तो दोस्तों आपको 550 रुपये फॉर्म के प्लस GST आपको देना होगा। इसके अलावा दोस्तों आवेदन शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी को अपनी कैटेगरी के अनुसार कर सकता है, छोटा मोटा छूट भी इसमें मिल सकता है। अभी आपको अप्लाई डेट क्या थी वो तो हमने बता दी, एक बार आपको फिर से नॉलेज में दे देते कि आपको स्टार्टिंग डेट 8 फरवरी थी, उसको लेकर आपको बाद में बढ़ाया गया कि 13 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 21 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, उससे पहले जाके आप फॉर्म को जरूर भर दीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है।
फिर भी हमसे अगर कोई जानकारी मिस हो गई हो कैंडिडेट साहिबान तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, उसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।